फैक्ट अभी वक्त आ गया है, यू आर रियली एक्साइटेड. मैं ऐसे एक शख्स को बुलाऊंगा और अभी बताएंगे वो हमको हाउ टू मेक आवर बिजनेस प्रॉफिटेबल. क्या जानना चाहेंगे? क्योंकि अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो वो बिजनेस क्या काम का है? यस और नो? तो हाउ टू मेक आवर बिजनेस प्रॉफिटेबल. सो पुट योर हैंड टुगेदर माय फ्रेंड्स टू वेलकम आवर वेरी डायनामिक लीडर ऑफ मोदी केयर मिस्टर तपन दास टू द स्टेज. Hello, directors. Hello. So, आप लोग इतने अच्छा काम करते हो तो आज आपकी बिजनेस धीरे 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 बढ़ता है. Yes or no? हम लोग ये चीज मानते हैं कि they are the champions who make things happen. Yes or no? They are the champions. And ये दुनिया में ऐसे कम लोग होते हैं जो करके दिखाते हैं. So congratulations all the directors and above. You people have proved yourself the best. And you have taken the right leadership. आप लोगों ने सही leadership लिया, business में काम किया और field में इतना मेहनत किया कि आप खुद नहीं बढ़ रहे हो, आपके साथ साथ आप दूसरे लोगों को बढ़ने में भी मदद कर रहे हो. So again, big round of applause to yourself. Thank you. मैं क्या करता हूं, जब भी कोई भी इवेंट होता है हर इवेंट में बैठता हूं क्योंकि हर इवेंट में मुझे कुछ ना कुछ अलग चीज सीखने के लिए मिलता है. क्या आप लोगों को मिलता है? Yes. क्या आप लोगों को मिलता है? Yes. लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, मानते कि मैं तो बहुत चीज जानता हूं. बोलते हैं ऐसा नो? एक बच्चा जब पैदा होता है उसको मिनिमम 2 साल लगता है पापा मामा डैड मम्मी बोलने के लिए, पता है आपको? लेकिन जिंदगी गुजर जाता है, सही ढंग से कैसे बात करते हैं उसको पता नहीं चलता, वो सीख नहीं पाता है. मीठा बोलने तो दूर की बात है, ढंग से बात करना भी हम लोग सीख नहीं पाते हैं. एग्री और नॉट एग्री? लर्निंग चाहिए. लर्निंग चाहिए, राइट? और कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि ठीक है हमको तो सारी चीज पता है, राइट? और कभी कभी पैसा देने के लिए भी सोचते हैं, 100 बार सोचते हैं, राइट? दोस्तों के साथ पिज्जा खाना अच्छा लगता है, 30 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया में एजुकेशन लेना अच्छा नहीं लगता. यस और नो? होता है? होता है नहीं होता है? एजुकेशन लेना जरूरी है. सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपके बिजनेस को आप ज्यादा प्रॉफिटेबल कर सकते हो द मोमेंट यू हैव एन एटीट्यूड टू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर इन योर लाइफ. आपके घर में खाना कौन बनाता है? मम्मी? यस, आपकी बीबी, राइट? हमारी बहन बेटी खाना बनाते हैं, यस और नो? अगर किसी दिन खाने में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाता है हम क्या रिएक्ट करते हैं? करते हैं? रिएक्ट करते हैं? नहीं, आप लोग नहीं करते, राइट? अच्छा, ऐसा भी कुछ दिन होता है कि वो लोग बहुत जबरदस्त खाना बनाते हैं, ऐसा दिन होता है? कभी कॉम्प्लीमेंट दिया? हम लोग कॉम्प्लीमेंट कम देते हैं, रिएक्ट ज्यादा करते हैं. क्या सीखा हम लोगों ने अपनी हमारी लाइफ में, क्या सीखा? एंड दोस्तों, मोदी केयर सिर्फ एक पैसा बनाने का कंपनी नहीं है. दिस इज सच ए वंडरफुल कंपनी जहां पे हम लोगों को बिल्ड करते हैं, बिल्ड करते हैं. अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बिल्ड करते हैं. एंड यू कैन नॉट बिलीव आई एम द राइट प्रोडक्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड गाइडलाइन ऑफ माय अपलाइन. आई एम द राइट प्रोडक्ट एंड माय सक्सेस इज द राइट प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन एंड द गाइडलाइन एंड द मेंटरशिप ऑफ ऑल माय अपलाइन. कैन यू गिव ए बिग हैंड फॉर योर अपलाइन? कैन यू गिव ए बिग हैंड? He's the only man in this world who teach you every time, who guide you every time without having any personal self-interest. This is the way we contribute in others' life. And this is the only one company, this is the company where you find people are ready every time to contribute in yours life. Can you heads up to those people? Kabhi compliment to daake do, sir, I am truly indebted to you.
आई एम ट्रूली थैंकफुल टू यू, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ बना हूं आपके लिए बना हूं. सो आई एम द राइट प्रोडक्ट ऑफ माई अपलाइंस गाइडलाइन, ऑफ माई अपलाइंस ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, एवरीथिंग. अंडरस्टैंड माई पॉइंट? बट एक चीज आप कम से कम ध्यान रखिए, राइट, कि सबसे पहले आपको तैयार होना है. यस और नो? सबसे पहले किसको तैयार होना है? किसको? वेरी गुड, राइट. एक दिन छोटा सा बच्चा 4 साल उम्र का, तो उन्होंने पापा के साथ खेलने के लिए उसको बहुत मन किया. अंडरस्टैंड? तो उन्होंने जाके उनको पापा को बताया कि पापा प्लीज प्ले विद मी, राइट. सो 1, 2, 3, 4 टाइम्स द स्मॉल चाइल्ड इज इंसिस्टिंग हर फादर द डैड प्लीज प्ले विद मी, राइट. तो 3-4 बार बोलने के बाद पापा क्या एकदम मस्त मगन मूड में अपना मैगजीन पढ़ रहे हैं. तो बच्चे के लिए टाइम नहीं है पास में, सोच भी नहीं रही है कि बच्चे को थोड़ा सा टाइम दे दें. अंडरस्टैंड? तो उनके दिमाग में आया, चलो एक काम करते हैं. तो उसने पास एक न्यूज़पेपर था, उसको उठाया. उस न्यूज़पेपर में एक वर्ल्ड का मैप था. क्या था? एक कोरियर कंपनी का आर्ड आया था, और वर्ल्ड में कहां कहां पे वो अपना सामान डिलीवरी करते हैं वही चीज वो इसमें वो दिखा रहे थे. तो वो वर्ल्ड मैप में कुरियर कंपनी का आर्ट था. तो उनके पापा के दिमाग में आया, चलो उसको फाड़ देते हैं, 2 पीस 4 पीस 6 पीस 10 पीस 12 पीस 14 पीस 16 पीस कर लेते हैं, और बच्चे को दे दिया. और बच्चे को बताया कि बेटा देख, ये वर्ल्ड मैप को असेंबली करके ले आ जा, उसके बाद मिलकर खेलेंगे. और पापा ने सोचा कि ये वर्ल्ड मैप की असेंबली करने के लिए 4 साल की बेटी है, कम से कम तो 1-2 दिन लगेगा. यस और नो? बट वेरी सरप्राइजिंगली, लेस देन 10 मिनट्स द स्मॉल डॉटर, राइट, असेंबल द वर्ल्ड मैप. तो फिर जाके पापा को बोले, डैड डैड यू सी योर वर्ल्ड मैप इज रेडी. सो द फादर सरप्राइज्ड, सो हाउ कम माई डॉटर बिकम सो मच इंटेलिजेंट कि वर्ल्ड मैप को लेस देन 10 मिनट्स में तैयार कर लिया. तो छोटी बच्ची ने पापा को बताया कि डैड, जब आप वर्ल्ड मैप फाड़ रहे थे ना, उसके पीछे एक इंसान की शक्ल का फोटो थी. अंडरस्टैंड? मैंने उसको देखा. आई डोंट नो वेयर जर्मन शुड बी, वेयर अमेरिका शुड बी, वेयर जापान शुड बी, बट आई नो वेयर नो शुड बी, आई शुड बी एंड हेज हेड शुड बी, राइट. सो वन, इफ ए मैन बिकम्स रेडी द वर्ल्ड बिकम्स रेडी, इफ ए मैन बिकम्स राइट द वर्ल्ड बिकम्स राइट, इफ यू बिकम रेडी यू बिकम राइट द वर्ल्ड अराउंड यू कैन बिकम राइट. सो अभी ये जो काम है, ये काम मोदी के सेमिनार वर्कशॉप ट्रेनिंग में दिया जाता है. क्या आपको पता है मैं जो आपके सामने आज खड़े होकर बात कर रहा हूं, मैं मोदी केयर से पहले सीख के आया था? हाँ जी? नहीं. जैसे कुकिंग एक आर्ट होता है ना, हमारी अपलाइन लोगों के पास वैसा ही कुछ आर्ट है जो हम लोगों को बिल्ड करते हैं. जैसे आप मकान बिल्ड करते हो, अगर सही मायनों में आप खुद को बिल्ड करना चाहते हो, तो जिंदगी में कभी ट्रेनिंग, मीटिंग, वर्कशॉप, राइट, बंद मत करना, राइट. कभी कभी हम पैसा को पहले नजर देखते हैं, बाद में एजुकेशन को देखते हैं. यस और नो? पिज्जा खाना अच्छा लगता है, 2 घंटे के लिए बुक गायब. अंडरस्टैंड? पैसा कितना देते हो, और वर्कशॉप में बैठा एक शब्द अगर समझ में आ गया, लाइफ चेंज हो सकता है. दैट एटीट्यूड मस्ट कैरी, सो दैट आगे जाके हम लाइफ में बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं, बहुत कामयाब मिल सकता है. यस और नो? यस और नो? एक्साइटेड? आवाज नहीं आ रहा है? ग्रेट. सो फ्रेंड्स, ये मोदी केयर बिजनेस में हम लोग ज्वाइन तो कर चुके हैं. ज्यादा लोग करते क्या है कि बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते हैं. ऐसा होता है? तो हमको सबसे पहले सोचना है, अगर हमको ये बिजनेस करना है तो कैसे ज्यादा प्रॉफिटेबल किया जाए, राइट? कैसे ज्यादा प्रॉफिटेबल किया जाए? अगर आप एक बार समझ में आ गया कि ये बिजनेस को इसी ढंग से करने से मैं ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कर सकता हूं, तो कम समय में ज्यादा रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हो, कम समय में आप ज्यादा ऊंचाई पे जा सकते हो, कम समय में आप आपकी लाइफ में जो ट्रू फ्रीडम, द ट्रू ड्रीम दैट यू हैव सीन एंड यू वांट टू अचीव इन दिस बिजनेस, यू कैन अचीव
यू कैन मेक इट. अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट? लेकिन छोटा मोटा प्रॉब्लम्स होता है, जो प्रॉब्लम लोगों के साथ होता है, राइट? जो चीज बींग डायरेक्टर्स एंड अबव हम लोगों को समझना चाहिए. आज जो बात मैं कर रहा हूं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है और आपकी डाउनलाइन लोगों के लिए भी है. और लोगों के लिए है कि आप जाओ और अपने फील्ड में, अपने ग्रुप में कम से कम मेक पीपल अवेयर एंड कॉन्शियस दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. अंडरस्टैंड? तो सबसे पहला काम कि क्या आपने मोदी केयर बिजनेस को सही ढंग से समझा? यस और नो? इस बिजनेस को वो लोग सही ढंग से कर पाते हैं जो बिजनेस को समझते हैं. होता क्या है कि हम लोगों को प्लान दिखाते हैं और लोग प्लान देख लेते हैं. प्लान देखने के बाद और हम जाके पूछते हैं कि आपने प्लान देखा ना? हाँ, हम प्लान देखें. अच्छा, प्लान में आपको क्या अच्छा लगा? तो ज्यादातर लोग आंसर देते हैं लगा. होता है क्या अच्छा लगा? अच्छा ठीक है, हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है, क्योंकि मोदी के जो पीपी बिजनेस प्लान एंड प्रोडक्ट, राइट? प्रोडक्ट तो आपको अच्छा लगा, लेकिन प्लान में क्या अच्छा लगा? राइट, प्लान में क्या अच्छा लगा? मैं आज आपको टिप्स शेयर करूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगी सामने वाला जो बैठा है, जो आपको आंसर दे रहा है, ये आपके लिए कितना राइट है, कितना रॉन्ग है. अंडरस्टैंड माय पॉइंट? गुरु द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरवों को धनुर्विद्या की ट्रेनिंग दे रहे थे, आपको पता है? तो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य के दिमाग में आया कि चलो हम कौरव और पांडवों के बीच में कैसा टैलेंट है, किसके पास कितना ज्यादा टैलेंट है, मेंटल एंड फिजिकल टैलेंट है, उसको टेस्ट किया जाए. तो उन्होंने सबको बताया कि कल एक पेड़ के नीचे सारे लोग सुबह आ जाना और वहीं पर आप लोगों को एक इम्तिहान देना है. और क्या इम्तिहान देना है? कि पेड़ के ऊपर एक पंछी होगा, राइट? सो उसी के आंखों में आपको क्या करना है? निशान लगा के तीर चलाना है. अंडरस्टैंड? तो कल सारे कौरव और पांडव आ गए, कहां पे? पेड़ के नीचे आ गए. और द्रोणाचार्य सब लोगों को एक एक करके बुलाया और एक को बुलाया, पूछा आपको क्या दिख रहा है? किसी ने बोला कि मुझे पत्ता दिख रहा है, राइट? और दूसरों को बुलाया, फिर उसको पूछा आपको क्या दिख रहा है? ना, मुझे पेड़ दिख रहा है. और तीसरे को बुलाया और उसको पूछा आपको क्या दिख रहा है? ना, मुझे आसमान दिख रहा है. अंडरस्टैंड? तो सब लोग तरह तरह का आंसर दिए, बट इट वॉज ओनली अर्जुन हु कुड गिव द राइट आंसर. आई कुड सी द आई ऑफ दैट बर्ड. मैं सिर्फ उसी पंछी का आंख मुझे दिख रहा है. और गुरु द्रोणाचार्य ने बोला, यू कैन बिकम द फेमस आर्चर इन द वर्ल्ड. आप दुनिया भर के सबसे मशहूर आर्चर बन सकते हो. हमारे बिजनेस में क्या होता है, मैंने जब प्लान देखा तो मेरे अपलाइन ने मुझे पहले पूछा कि तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है, क्या पसंद आया? तो मैंने पहला आंसर दिया था कि मुझे यहां से पैसा नजर आ रहा है. अगर आपको इसमें आपका सक्सेस नजर नहीं आ रहा है, आपका पैसा नजर नहीं आ रहा है, आपका फ्रीडम नजर नहीं आ रहा है, तो आप किसके लिए काम करोगे मोदी केयर में? आज क्या आपको आपको लगता है कि आपके जितने सारी लाइनअप स्पॉन्सर में अपलाइन से, राइट, वो उन लोगों को प्लान में क्या नजर आया ताकि वो लोग आज काम किए और आज इतनी ऊंचाई पे हैं? क्या नजर आया? उनके सक्सेस, उनके हैप्पीनेस, उनके फ्रीडम, उनके ग्रोथ, राइट, उनके प्रोग्रेस, उनके पैसा, सारे चीज इसमें वो देख पाए, राइट? लेकिन लोग शर्माते हैं. अगर आपको पैसा चाहिए तो शर्माना क्यों? बोलो ना, मुझे पैसा चाहिए, राइट? अगर पैसा चाहिए तो वन मोर प्रॉब्लम विद द पीपल, लोग तो पैसा कमाते हैं बट पीपल डू नॉट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर लाइफ. जैसे कि मुझे तो पैसा चाहिए, नो डाउट, आई एम रेडी टू पुट एफोर्ट, आई एम रेडी टू वर्क समवेयर एल्स, मे बी इन जॉब, मे बी इन बिजनेस, मे बी एनीवेयर एल्स, काम करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मुझे महीना कितना रुपया चाहिए. जैसे कि क्या करना है आपको? गोल सेट करना है, प्लानिंग करना है. अच्छा, गोल सेट का मतलब क्या होता है? स्कूल में तो गोल सेट नहीं होता था, कॉलेज में तो नहीं होता था, फिर मोदी केयर में कहां से आ गया? बिकॉज दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पे हम लोग
लोगों को सिखाते हैं, अगर आप गोल सेट करते हो तो आप उसी गोल की जगह पहुंचना आपके लिए आसान होता है। तो ये बिजनेस तब आपके लिए आसान होगा, ये बिजनेस तब आप अच्छा कर सकते हो, इस बिजनेस में आप ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हो जब आपके सामने कुछ गोल होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। यस और नो? यस और नो? तो सबसे पहले खुद को पूछो कि मैं बिजनेस को समझा या नहीं समझा। इस बिजनेस में आज जो 1 लाख कमाता है, जो 5 लाख कमाता है, जो जैसे कि हमारी ऑफलाइन लोग आज 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख महीना कमाते हैं, राइट? बस इस बिजनेस में उनको वो चीज नजर आया है, इसीलिए कमा रहे हैं। अगर वो चीज आपको नजर आया तो आप भी कमा सकते हो। यस और नो? सबसे पहला चीज। और दूसरा चीज, अगर आपने मोदी केयर प्लान को सही ढंग से समझ लिया तो इस बिजनेस में आप क्या बनाना चाहते हो, व्हाट इज द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ योर ज्वाइनिंग मोदी केयर, व्हाट इज द एग्जैक्ट पर्पस दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, वो चीज क्या आपकी समझ में आया, आया नहीं आया? अच्छा, प्लान तो बहुत अच्छा है, यहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकता है, बनाया जा सकता है, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हर चीज बनाया जा सकता है, एग्री, हर चीज बनाया जा सकता है। आपको क्या चाहिए? व्हाट इज योर पर्पस? व्हाट इज योर पर्पस ऑफ जॉइनिंग दिस बिजनेस? मेक इट क्लियर टुडे, फिगर आउट व्हाट यू एग्जैक्टली नीड इन योर लाइफ, आपके लाइफ में क्या चाहिए और ये बिजनेस प्लान में है क्या? अगर जाके घर में जाओ और पेन एंड पेपर निकालो और लिखो कि मुझे ये चीज चाहिए, अपने अपलाइन के पास बैठो, सर मुझे मोदी केयर में ये चीज चाहिए, वो फिर आपको आप इस बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिटेबल की तरफ से आपको खींच के ले जा सकता है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? और सबसे बड़ा चीज आपको पता है, हमारे बिजनेस में हम अपलाइन को साथ मिलाते हैं, सर थोड़ा मोटिवेट करवा दीजिए ना, तो व्हाट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन इन आवर बिजनेस, डू यू नो व्हाट इज दैट? दैट इज आवर प्लान एंड पे आउट प्लान। अंडरस्टैंड? मोदी केयर का प्लान सबसे मोटिवेटिंग है, और मोदी केयर का जो पे आउट प्लान है ना, राइट, आप रात को तो सो नहीं पाओगे। अगर एक बार पे आउट प्लान समझ लिया तो रात को सो नहीं पाओगे। यस और नो? सो सबसे बड़ी चीज की आपको पे आउट प्लान समझ में आया नहीं आया? अगर आया है, जैसे कि यहां पे क्यूमुलेटिव प्लान है, हर महीना बिजनेस मिल मिल के जाता है, ओनली प्रमोशन नो डिमोशन, एक बार आप एक जगह पे पहुंच गए तो फिर नीचे नहीं गिरोगे, अंडरस्टैंड? और ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, और बड़ा पैसा कमाने का क्विक सक्सेस एंड श्योर सक्सेस बिजनेस प्लान आज सिर्फ मोदी केयर बिजनेस में है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? क्या समझ में आया? समझ में आया? अगर समझ में आया तो फिर यहां पे आप पैसा कमा सकते हो, नहीं तो कमा नहीं सकते, तो फिर कामयाब बन सकते हो, नहीं तो बना नहीं सकते। यस और नो? यस और नो? तो अब क्या करना है? अभी हम लोगों ने प्लान समझ लिया, पे आउट समझ लिया, प्लानिंग समझ लिया, गोल सेट समझ लिया, पे आउट प्लान समझ लिया, हर चीज तो हो गया। अभी व्हाट इज नेक्स्ट? अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? अभी 1, 2, 3 करना है। क्या करना है? ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाना है ना, तो 1, 2, 3 करना है। क्या करना है? सो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो बात करते हैं कि आप ये बिजनेस को अभी यहां तक आ गए, सो व्हाट इज नेक्स्ट? अब क्या करना है ताकि हम बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? और इस बिजनेस में द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, जो सबसे पहला कदम आप सक्सेस के लिए उठा सकते हो, एंड दैट इज योर सेल्फ यूज। मतलब हमारी कंपनी के जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उसी प्रोडक्ट को खुद ही इस्तेमाल करना। अंडरस्टैंड? जब आप मोदी केयर फॉर्म साइन अप करते हो या मोदी केयर में रजिस्ट्रेशन करते हो, सबसे पहला कदम आपके सक्सेस के लिए आप उठाते हो वो होता है कि मोदी केयर सामान को खुद इस्तेमाल करना। मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया तब मेरे अपलाइन को मैंने पूछा कि सर मुझे पैसा चाहिए। सर बोले कि ठीक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं पूछा सर क्या करूं पहले? सर बोले कि काम करो, आप घर चले जाओ, पहले प्रोडक्ट यूज करो। और मैंने घर चला गया, फिर नेक्स्ट डे मैंने प्रोडक्ट यूज किया। तो ये प्रोडक्ट जब मैंने यूज किया तो मैं प्रोडक्ट का फैन बन गया। हमारा एक ट्रेनिंग होता था, जिस ट्रेनिंग में कहा जाता था बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करो तब वो प्रोडक्ट आपके मुंह से निकल आएगा।
तो आप प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बन गए। कहीं पे खड़े हो जाते हो, किसके घर गए हो, कपड़े का कुछ प्रॉब्लम है तो आप मोदी के प्रोडक्ट के बारे में बोलने लगते हो, अंडरस्टैंड। तो फिर आपके घर के लिए जो भी सोल्यूशन चाहिए, आपको होम केयर का प्रोडक्ट चाहिए, आपको लॉन्ड्री केयर का प्रोडक्ट चाहिए, आपको पर्सनल केयर का प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप मोदी केयर से ले लो। और मार्केट से मैं क्या कर किया, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है कि आपका बाइंग हैबिट को चेंज करना है। हम लोगों का एक हैबिट होता है कि कोई भी सामान चाहिए दुकानदार के पास चले जाऊं। कितने सालों से चले आ रहा है, 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल से होते आ रहा है, यस और नो? एक ही पैसा मिला, एक ही पैसा कमाने के लिए मौका मिला, नहीं मिला। तो मैं जब से मोदी केयर प्लान देखा तब से दुकान जाना बंद किया और कहां से सामान लेना शुरू किया, मोदी केयर से। और मोदी केयर में तरह तरह का प्रोडक्ट के प्रोडक्ट है। आपको कॉस्मेटिक्स चाहिए मोदी केयर से मिल सकता है, आपको स्किन केयर का प्रोडक्ट चाहिए मोदी केयर से मिल सकता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट गारंटी के साथ मोदी केयर में मिलता है, राइट। और जब हेल्थ के लिए मैंने भी केयरफुल हुआ, राइट, प्रोटीन, राइट, आज की डेट में प्रोटीन कम होने के कारण ज्यादा लाइफस्टाइल डिजॉर्डर बढ़ रहा है, राइट। एक जमाना था जबकि 95% डिजीज था जो कम्युनिकेबल डिजीज था और 5% डिजीज था जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते थे। लेकिन अभी टाइम उल्टा हो गया, आज की डेट में 95% डिजीज नॉन कम्युनिकेबल और 5% रोग हो गया जिसको हम कम्युनिकेबल बोलते हैं। एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी एंड सो मेनी न्यूट्रिशनल इनबैलेंस, अंडरस्टैंड। तो मैंने जब मोदी केयर का प्रोडक्ट आया तो मैंने पहले प्रोटीन खाना शुरू किया, राइट। रोज टैबलेट लेता हूं मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का, मतलब तो मुझे तो बहुत ज्यादा एनर्जी आता है, आप एक बार तो खा के देखो। तो सबसे पहला स्टेप जो आप कामयाब बनने के लिए इस बिजनेस में लेते हो वो होता है आपका सेल्फ यूज। और मैंने जब प्रोडक्ट को यूज किया तो सबसे पहले मेरे अंदर बिलीफ डेवलप हुआ। सो हमारे अंदर एक सिस्टम होता है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट, सिस्टम होता है, अंदर से आवाज निकलता है जिसको बिलीफ बोलते हो या डिसबिलीव बोलते हो। तो जब प्रोडक्ट यूज किया तो मुझे प्लान तो बहुत अच्छा लगा था, फिर प्रोडक्ट यूज किया तो मेरे अंदर एक बिलीफ आया कि अच्छा, इससे प्लान तो अच्छा है, प्रोडक्ट तो अच्छा है, तो यहां पर लाइव बनाया जा सकता है, या सो नो। तो वो बिलीफ आपके अंदर बढ़ेगा। और दूसरा चीज जो बढ़ेगा, अगर किसी के साथ आप बात करते हो तो कॉन्फिडेंटली आप बता सकते हो, अंडरस्टैंड। कैसे बता सकते हो कॉन्फिडेंटली, ऐसा नहीं कि थोड़ा आगे फिर थोड़ा पीछे फिर थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, ऐसा नहीं है, होता है नहीं होता है। आप एक काम करो ना, नोनी खा लो, अच्छा नोनी अपलाइन को पूछ के बताते, फिर किसके पास जाते हैं, अपलाइन को फोन करते हैं, सर क्या नोनी उनके लिए काम करेगा? अरे पहले आप ट्रेनिंग ले लो ना, आप खुद यूज करो ना, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, या सुनो, करते नहीं करते। अच्छा फिर क्या होता है, दुकान से मैंने सामान लाना इसलिए बंद किया क्योंकि मोदी केयर में सिर्फ बीबी मिलता है, दुकान से लाने में नहीं मिलता। और मोदी केयर में बीबी तो पैसा है और बीबी तो फ्रीडम है, बीबी तो आपका सपना है और बीबी आपका प्रोग्रेस है, आपका सक्सेस है, एवरीथिंग इज योर बीबी। सो इसलिए सेल्फ यूज इज द फर्स्ट स्टेप टू योर सक्सेस इन मोदी केयर, अंडरस्टैंड। से बिजनेस को आप ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हो जितना ज्यादा प्रोडक्ट को आप खुद यूज करोगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस आप खुद लोगे, इस बिजनेस को आप ज्यादा प्रॉफिटेबल कर सकते हो। छोटा सा चीज कितना बड़ा मायना रखता है, यस और नो? यस और नो? एंड द सेकेंड बिगेस्ट स्टेप, ये वन हो गया, मैंने बताया था 1 2 3, यस और नो? ये वन हो गया, क्या वन, व्हाट इज वन? सेल्फ यूज, वेरी गुड, राइट, इंटेलिजेंट पीपल, बिकॉज यू ट्रू पीपल, यू आर द पीपल दोस मेक थिंग्स हैपन, समझ में आता है, यस और नो? एंड द सेकेंड बिगेस्ट स्टेप, अगर आप इस बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल करना चाहते हो तो व्हाट इज स्टेप टू? ए शेयर। अच्छा हम लोग इसमें शेयर का वर्ड यूज करते हैं, शेयरिंग का मतलब होता है यू सिंपली पास ऑन द राइट इंफॉर्मेशन, राइट, टू योर प्रोस्पेक्ट, टू योर डाउनलाइन, टू योर बिजनेस पार्टनर्स, राइट। सबसे पहले आप राइट इंफॉर्मेशन खुद लेते हो फिर दूसरे लोगों को पास करते हो, अंडरस्टैंड, दैट इज शेयरिंग। और मोदी केयर के पीपी बिजनेस है, पीपी मतलब प्लान एंड प्रोडक्ट, राइट। एंड यहां पे जो प्लान है, इस प्लान में लोग जुड़ सकते हैं। अच्छा अगर मैं आपको सवाल करूंगा तो आप लोग क्यों ज्वाइन किया,
क्यों ज्वाइन किया कोई बता सकता है? आपने इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि किसी ने आपको प्लान दिखाया है, एग्री या नॉट एग्री? अगर आप दूसरों को प्लान दिखाओगे तो लोग ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे? जो आपके साथ हुआ है बस उसको डुप्लीकेट करो, जो आपके साथ हुआ है बस उसको डुप्लीकेट करो। जैसे आपको ऑफलाइन आपको प्लान दिखा है बस आप दूसरों को प्लान दिखाओ, कर सकते हैं? और जैसे आपने प्लान देखा, प्लान के अंदर कुछ ना कुछ आपको नजर आया, जैसे अर्जुन को पंछी की राइट आंख नजर आता था राइट। अगर आज में आपको सक्सेस, आपकी पैसा, आपकी फ्रीडम का नजर आया तब काम शुरू कर लोगे, यस और नो? और जब दूसरों को प्लान दिखाओगे, कुछ लोग होते हैं जिनको नजर वही चीज आ जाएगा, वो भी आपके लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी टीम में जो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, राइट? सो मोदी केयर में प्लान है। और मोदी केयर का सबसे बड़ा बैकबोन जो होता है प्रोडक्ट है, राइट? सो प्लान सबसे पहले जब आप लोगों को दिखाते हो, राइट, लोगों को समझ में अगर आ जाएगा तो वो आपके बिजनेस साइन अप कर लेंगे। और आपका लीडर कौन बनेगा? आपका लीडर कौन बनेगा? जो चीज आप समझते हो अगर आपके सामने वाला आपका प्रोस्पेक्ट की समझ में वही चीज आ जाएगा तो वही आपका लीडर बन जाएगा, आपकी तरह वो मेक थिंग्स हैपन कैटेगरी में आ जाएगा, वो करके दिखाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम डायरेक्टर वर्कशॉप में वही आएगा, यस और नो? तो प्लान बता दिया। और शेयरिंग में सबसे बड़ी पार्ट जो होता है वो होता है प्रोडक्ट शेयरिंग। प्रोडक्ट शेयरिंग, हम प्रोडक्ट शेयर क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को प्लान समझ में नहीं आता है तो हम उसको प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए देते हैं। सर मैडम आप बाहर से सामान लाते थे, एक बार हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ट्राई करो, दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट विथ गारंटी राइट एंड हाईली इफेक्टिव बाय नेचर प्रोडक्ट हमारी कंपनी में है, आप यूज करोगे। मैं तो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट का फैन हूं और आप यूज करोगे तो मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं सर मैडम आप तो दीवाना हो जाओगे, राइट? और इसमें गारंटी है, आपको कोई रिस्क नहीं है, यूज करो, 28% बुरा लगे तो वापस कर लेना, कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो 2 महीना 3 महीना 4 महीना उनको सामान देंगे, उनको पूछेंगे सामान कैसा लगा, प्रोडक्ट कैसा लगा, वो बोलेंगे अच्छा लगा। तो जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है उसी प्रोडक्ट के पीछे जो बिजनेस प्लान है, जो प्लान मैंने आपको दिखाया था, अंडरस्टैंड? और इसी प्रोडक्ट के जरिए उसी प्लान काम करेगा, आपके लाइफ में सारी सपने पूरा हो सकते हैं। और एक बार चलो बैठते हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर प्लान देखा, फिर वही आपके ग्रुप में साइन अप करेगा। तो शेयरिंग अच्छा है बुरा है, अंडरस्टैंड? कर सकते हैं? तो जब हम प्रोडक्ट शेयरिंग करेंगे, सबसे एक छोटा सा चीज आपके ध्यान में रहना चाहिए कि कम से कम हम लोगों के पास 10 से 15 रिटेल क्लाइंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम 10 से 15 रिटेल क्लाइंट होना चाहिए। अगर आज की डेट में किसी को आप मोदी केयर का सामान देते हो, उनके घर का घर में जो जो सामान लगता है अगर मोदी केयर से दिया जाता है तो होम केयर, लॉन्ड्री केयर, पर्सनल केयर और खाने का तेल अगर मिला के हम देंगे तो मिनिमम 1,000 रुपये का सामान ऑर्डर आएगा, यस और नो? आएगा नहीं आएगा? तो ये जो मिनिमम सामान 1,000 का आएगा, अगर आपके पास 15 रिटेल क्लाइंट है, अगर 15 रिटेल क्लाइंट 1,000 मिनिमम ओर्थ का प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करेंगे तो कितना रुपया का प्रोडक्ट आपका टर्नओवर हो सकता है? कितना हो सकता है? 15,000 रुपया का टर्नओवर होगा तो अभी भी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7,000-8,000 हो जाएगा, यस और नो? राइट, हो सकता है। अगर आपका ग्रुप में 10,000 का बीबी होता है, कितना पैसा कमाते हो? कुछ थोड़ा पैसा कमाते हो, यस और नो? अगर आपका ग्रुप का बीबी 1,00,000 हो जाता है तो आप कितना पैसा कमाते हो? और थोड़ा ज्यादा पैसा कमाते हो, यस और नो? अगर आपका ग्रुप का बीबी 1,00,000 हो जाता है तो आप कितना पैसा कमाते हो? और थोड़ा ज्यादा पैसा कमाते हो, यस और नो? अगर आपका ग्रुप का बीबी राइट 50,00,000-1,00,000 होता है तो दुनिया भर का फ्रीडम आपको मिल जाता है और आप लाखों में कमाते हो, यस और नो? अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ का हो जाए, 10 करोड़ का हो जाए तो इमेजिन करो आप कहां पे पहुंच सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स आपको खुद को 5 करोड़ नहीं करना है, अंडरस्टैंड? खुद को नहीं करना है, ये आपका टीम कर लेगा। कब कर लेगा? जब आप खुद 15 रिटेल क्लाइंट बनाओगे। बस आप 5-10-15,000 रुपया का सामान का टर्नओवर खुद करो और धीरे धीरे आपके ग्रुप में वही चीज डुप्लीकेट होता जाएगा और आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, अंडरस्टैंड पॉइंट?
एंड इस बिजनेस को आप ज्यादा प्रॉफिटेबल कर सकते हो व्हेन यू लीड बाय एग्जांपल बिफोर योर डाउनलाइन और व्हेन यू लीड बाय एग्जांपल बिफोर द पीपल टू हुम यू आर गाइडिंग इन दिस बिजनेस. अंडरस्टैंड माय पॉइंट. जब खुद करते हो लोग क्या करते हैं, उसको डुप्लीकेट करते हैं. और सबसे बड़ा चीज जो होता है, जो स्टेप थ्री, दैट इज टीम डेवलपमेंट. अच्छा, टीम क्यों बनाए, ये भी सवाल है. यस और नो. टीम क्यों बनाए, वो भी सवाल है. टीम इसलिए बनाए क्योंकि कहते हैं जिसका बड़ा सपना हो, राइट, इफ यू हैव ए बिग टीम यू मस्ट हैव ए बिग टीम. अंडरस्टैंड. अगर आप इसमें बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, अकेला मेहनत करने से नहीं होगा, आप टीम के साथ आगे बढ़ोगे. अभी यहीं पे कुछ लोग इतना गलतियां करते हैं जो चीज मैं आपको समझाऊंगा. अभी गलतियां क्या करते हैं कि आप टीम डेवलपमेंट करो, आप जिसको प्लान देखा या लोग इंटरेस्टेड हुए तो उसको स्पॉन्सर कर लो. और स्पॉन्सर करो, आप मिनिमम 6 एक्टिव लोग जब तक नहीं मिल जाते हैं तब तक स्पॉन्सर करो. एक्टिव किसको बोलोगे, जो 1 2 3 करेगा. 1 मतलब, जोर से बताओ, 1 मतलब, 2 मतलब, और 3 मतलब टीम डेवलपमेंट. 6 लोग जब तक नहीं आ जाता है तब तक स्पॉन्सर करो. हम क्या करते हैं, हमारे अंदर एक डिपेंडेंट लीडरशिप बिल्ड करते हैं. डिपेंडेंट लीडरशिप क्या होता है पता है आपको? मैंने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया इस बिजनेस में, बस घर में बैठ गया. वो तो इस महीना 10,000 करेगा, ये तो 20,000 करेगा, ये तो 30,000 करेगा, ये तो 50,000 करेगा. फिर मैं इस महीना, मेरा इनकम हो जाएगा 20,000 और मैं इस महीना फर्स्ट डायरेक्टर बन जाऊंगा. अंडरस्टैंड पॉइंट. अभी जिसको मैंने 10,000 सोचा था वो 10,000 की जगह 1,000 किया. जिसको 20,000 सोचा था 20,000 की जगह 5,000 किया. जिसको मैंने जो जो एक्सपेक्टेशन किया था उसे कई गुना कम बिजनेस उन लोगों ने किया. फिर मैंने जाकर ऑफलाइन के पास बोला कि सारे बिजनेस चलने वाला नहीं है. क्यों ऑफलाइन पूछता है, क्यों चलने वाला नहीं भाई? नहीं, इसलिए चलने वाला नहीं क्योंकि मैंने जिसको स्पॉन्सर किया वो लोग काम नहीं कर रहे हैं. लेकिन सच्चाई तो और कुछ है. सच्चाई यह है कि हम लोगों ने खुद डिपेंडेंट लीडरशिप बिल्ड किए. तब आप इंडिपेंडेंट लीडरशिप बना सकते हो जब आपके पास 6 एक्टिव लेग जब तक नहीं मिल जाते हैं. बस स्पॉन्सर करो, स्पॉन्सर करो, स्पॉन्सर करो. आज के डेट में मोदी केयर के पास जो प्लान है, इसी प्लान में आप मिनिमम टारगेट रखो ना कि मैं कम से कम मिनिमम तो 1,00,000 कमाना है मुझे. द फर्स्ट फाइनेंशियल गोल व्हाट यू कैन सेट इन दिस बिजनेस टुडे, राइट, इज मिनिमम 1,00,000 रुपीज इनकम. राइट, बना सकते हैं, राइट. 10, 20, 30, 40,000 रुपया तो ऐसे आसानी से आ जाता है इस प्लान में. तो मिनिमम फाइनेंशियल गोल सेट करो कि मुझे 1,00,000 मिनिमम कमाना है. अंडरस्टैंड. तो 1,00,000 तो 6 फिगर का इनकम होता है. यस और नो. और 6 फिगर इनकम मिनिमम अचीव करने के लिए 6 एक्टिव लेग तो कम से कम चाहिए. अगर क्राउन बनना है तो 8 एक्टिव लेग बनाओ. अगर रारबिड़ी बनना है तो 11 एक्टिव लेग बनाओ. अगर आपको जिबड़ी बनना है तो 14 एक्टिव लेग बनाओ. कौन मना करता है? लेकिन जब तक 6 एक्टिव लेग नहीं मिल जाते हैं तब तक तो स्पॉन्सर करो. हम क्या करते हैं, जा किसी को स्पॉन्सर करते हैं, राइट. हम जिसको स्पॉन्सर करते हैं, राइट, सो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. मत करो. आपको क्या करना है, लोगों को स्पॉन्सर करो, उनको सारे काम सिखाओ. आपका जो ड्यूटी होता है ना, वो ड्यूटी परफॉर्म करो, राइट. प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ, एनसीओ करो, उनके साथ जो जो करना है. आपकी अपलाइन है जो आपको गाइड कर लेंगे, बस जो करना है उनके साथ कर लो. कर सकते हैं, राइट. और उसके बाद उनको 1 2 3 सिखाओ. 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है. तो बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसको 1 2 3 करने के लिए बोलो. अगर 1 2 3 नहीं करता है, अगर 1 2 3 नहीं करता है और किसी को जाके स्पॉन्सर करो. अगर 1 2 3 कर लिया तो कंग्रेचुलेट खुद को, पेटिंग करो, अरे मेरे, मुझे तो 1 मिल गया, अभी कितना करना है और 5 एक्टिव लेग को लाना है. यस और नो. 6 एक्टिव लेग जब तक नहीं मिल जाते हैं जो 1 2 3 करने के लिए तैयार है. क्या करने के लिए तैयार है, क्या करने के लिए तैयार है. 1 का मतलब 2 3. जब तक 1 2 3 करने के वाले आपको 6 मिनिमम लोग नहीं मिल जाते हैं, आपका मिनिमम फाइनेंशियल गोल 1,00,000 रुपया कमाने के लिए, तब तक स्पॉन्सर करो और तब तक स्पॉन्सर करो. फ्रेंड्स,
मुझे मेरे अपलाइन एक अच्छा चीज बताए थे, मुझे बताए थे कि तपन ये बहुत सिंपल बिजनेस है लेकिन लोग कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। अंडरस्टैंड, हम करते हैं, करते हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हम लोगों के पास जाते हैं तो लाखों चीज दिमाग में लेके जाते हैं, वो मना कर लेगा, सो व्हाट, सो व्हाट। आपको आपका ड्रीम्स को आप प्यार करते हो, वो खुद का ड्रीम प्यार नहीं करता, तो आपको क्या फर्क पड़ता है, राइट फ्रेंड्स। इज ए वेरी सिंपल बिजनेस, वेरी सिंपल बिजनेस, राइट। आप जितना सिंपल उसको रखोगे, इस बिजनेस को आप ज्यादा प्रॉफिटेबल कर सकते हो, राइट। तो क्या आप चाहते हो कि बिजनेस को आप ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाए? क्या आप चाहते हो कि बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाए? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।